हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग से लेके इवनिंग का बिजी वाला रूटीन शेयर कर रही हूँ। सो बच्चों के साथ कैसे मेरा पूरा दिन जाता है वो शेयर करूँगी। और मॉर्निंग का टाइम है 7 बजे अराउंड, ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो नाइफ जो है मेरा वो थोड़ा शार्प कम था, तो मैंने इसको शार्पन कर लिया है और मैंने ये वाला इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है। इसका मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। Request my chariot, get ya. The door's open. Take the hot road and hop in. First impression, you open. We should be closer than friends. If you open, engaging is on my. और अपनी चाय बनने के लिए भी रख देती हूँ मैं। और पोहा में डालने के लिए मूंगफली के दाने भी ख़त्म हो गए हैं, लेकिन पिछली बार जो ग्रोसरी लाए थे पुष्पेंद्र, तो मैंने ऑलरेडी मंगा लिए थे, मुझे पता था ख़त्म हो जाएंगे, तो उसको रीफ़िल कर देती हूँ। और बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, पुष्पेंद्र अभी शावर लेने के लिए गए हैं, सोसिया और भूमि दोनों यहाँ खेल रहे हैं। भूमि को मैंने फीड कराया है और ब्रेकफास्ट बनाने के बाद इसको भी खिलाऊँगी। सो सिया थोड़ी देर राइम्स देख रही है अभी। और पोहा बनाने के लिए मैंने पैन में ऑयल लिया है, ऑयल गर्म होगा तो फनल सीड्स और हींग डाली है। आफ्टर दैट मैं इसमें मूंगफली के दाने ऐड कर दूंगी और इनको सॉटे करूंगी सो दैट ये रोस्ट होना स्टार्ट हो जाए। और मूंगफली के दाने रोस्ट करने के बाद मैं इसमें अनियन ऐड कर दूंगी, तो यहाँ मैंने अनियन ऐड कर दी है। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूंगी सो दैट अनियन जल्दी भुने, सो पिंच ऑफ सॉल्ट यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मैं। और उसके बाद मैं इसमें यहाँ पर टमाटोज़ ऐड कर दूंगी, तो यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है। और मसालों में धनिया पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर, ये मसाले जाएंगे। और इसके बाद इसको अच्छे से सॉटे करके भून लूँगी टमाटर के साथ। ये सारे मसाले जो हैं वो सॉटे हो जाएंगे, जलेंगे भी नहीं। और नेक्स्ट मैं इसमें पोहा ऐड कर दूंगी। और पोहा जो है इस तरह से खिला खिला बनता है, मैंने वॉश करके ड्रेन करने के लिए रख दिया था। सॉल्ट ऐड किया है मैंने। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं लिड ढक के इसको थोड़ी देर स्टीम करूंगी, तो पोहा जो है बहुत जल्दी बन जाता है और लिड ढक के पकाना बहुत ज़रूरी है, तो वो अच्छे से फूल जाता है। तो देखिए कितने अच्छे से फूल गया है पोहा यहाँ पर, और ये रेडी है एकदम। अभी इसमें थोड़ी चीज़ें हैं वो और ऐड करनी है, वो बताती हूँ मैं क्या ऐड करना है। और जब तक मैं ब्रेकफास्ट वगैरह तैयार कर रही थी, पुष्पेंद्र यहाँ पे गुड़ जो है उसको तोड़ के डब्बे में डाल रहे हैं। तो ये लास्ट टू लास्ट ग्रोसरी में आया था, लेकिन बिल्कुल इसको टाइम नहीं मिला था तोड़ने का, और ऑलरेडी हमारे पास थोड़ा सा गुड़ था वो हम यूज़ कर रहे थे, तो वो ख़त्म हो गया, अभी तोड़ के डाल रहे हैं इसमें। और यहाँ पर मैं फ्रेश हरा धनिया और हरी मिर्च जो है वो चॉप कर लूँगी, तो पोहा एकदम रेडी है। और मैं फ्रेश हरा धनिया और हरी मिर्च उसमें ऐड करूँगी, बहुत ही अच्छा लगता है टेस्ट उसका, क्योंकि मैंने लाल मिर्च भी कम डाली हैं और सिया को देने के बाद मैं हरी मिर्च उसमें ऐड करूंगी। तो सिया का ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ, मैंने ब्रेड सेक लिया है टोस्टर में, बहुत ज़्यादा सेकती हूँ तो टाइट हो जाता है उसका ब्रेड, तो मैंने मीडियम उस पर ही सेका था। इस पर पीनट बटर लगाया है उसका फेवरेट, और मैंने पोहा दिया है और थोड़ा सा दूध दिया है मैंने। तो यहाँ पर सिया का ब्रेकफास्ट रेडी है और उसको मैं दे के आती हूँ। और पुष्पेंद्र ने इसमें जो गुड़ है वो तोड़ के भर दिया है पूरा, तो ये गुड़ जो है काफ़ी सॉफ्ट है, पहली बार इस तरह का गुड़ आया, बिल्कुल हाथ से आप डेलों को तोड़ सकते हो। यहाँ पे मैंने पोहा में फ्रेश हरा धनिया और हरी मिर्च ऐड कर दी हैं और इसको अच्छे से मिक्स करके पोहा रेडी है। लुक एट दिस, बहुत ही यमी और टेम्पटिंग लगता है। अगर फ्रेश हरा धनिया, हरी मिर्च और थोड़ा सा प्याज भी डाल सकते हैं ऊपर से, सेव भुजिया डाल सकते हैं, तो इस तरीके से हम ट्राई करते रहते हैं। तो यहाँ पे मेरा और पुष्पेंद्र का पोहा है, और मैंने बहुत ही तीखी वाली हरी मिर्च जो है वो ऐड की है 3-4, इसलिए मैंने सिया को ऑलरेडी निकाल दिया था। तो हम अपना ब्रेकफास्ट इन्जॉय कर लेते हैं। सो मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है और अब मैं भूमि को खिला रही हूँ। तो अभी सुबह सुबह भूमि के लिए मैं कुछ बना नहीं पाई, तो मैं ये राइस सीरियल उसको दे रही हूँ। ये गरबर का राइस सीरियल है और फॉर्मूला मिल्क में मैंने मिक्स किया है, तो ये मैं भूमि को खिलाऊँगी अभी। और भूमि को मैं किचन में ही ले आई हूँ, अगर उसके सामने कोई आसपास रहे तो वो रोती नहीं है, खेलती है फिर, तो यहाँ बैठी हुई है। और जब तक मैं फटाफट से डिशवॉशर में बर्तन वगैरह डाल दूँगी। सिया खेल रही है अपना, और भूमि की आज और सिया की दोनों की नहलाने की टर्न है। मैंने बताया था मैं उन दोनों को ऑल्टरनेट डेज पर नहलाती हूँ,
तो यहाँ पे थोड़ी सी किचन साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि आप लोग देखते ही हो कि मेरा जो काउंटर है वो वाइट कलर का है, तो इस पर स्पॉट्स बहुत जल्दी पड़ते हैं, चाय के हों या हल्दी के हों, तो मुझे बहुत ही फ्रिक्वेंटली इसको वाइप करते रहना होता है। अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा देर छोड़ दिया तो स्पॉट्स लग सकते हैं, इसलिए मैं वो भी साफ़ कर देती हूँ काउंटर, और जो भी थोड़े बहुत बर्तन हैं वो जल्दी से क्लीन अप कर देती हूँ, क्योंकि फिर लंच के लिए जगह खाली मिले तो अच्छा है, तो इसीलिए मेरे को करके जाना पड़ता है। Request my chariot, get ya. The doors open. Take the hot road and hop in. First impression. सो अराउंड 9:05 हो गए हैं और मेरा काफ़ी काम जो है वो ख़त्म हो चुका है, और भूमि को मैंने ब्रेकफास्ट करा दिया था अराउंड 8:15 पे। सो अब मैं भूमि को नहलाने ले जाऊंगी, तो यहाँ पे मैंने उसके कपड़े ऑलरेडी निकाल के रख दिए हैं, और ये पूरा एरिया जैसे मैंने बताया था बच्चों के लिए, मैं नहलाने के बाद यहाँ पर रेडी करती हूँ उनको। तो यहाँ पे सारी चीज़ें रखी हुई हैं, उनके जो लोशन वोशन वगैरह हैं, डायपर्स एंड एवरीथिंग जो मुझे चाहिए, एज़ वेल एज़ मैंने यहाँ पे एक छोटा सा हीटर लगा रखा है, तो जब भी वेदर थोड़ा ठंडा होता है तो मैं इसको ऑन करके तब मालिश करना हो या कपड़े चेंज करने हो उसको यूज़ करती हूँ। तो ये एरिया है, और भूमि अपने पापा के पास खेल रही है। यहाँ मैंने कुछ कपड़े वॉश किए हैं, सिया और भूमि के वो कपड़े, जैसे खाना खाती हैं तो गिरा लेती हैं कपड़ों पे, सन जाते हैं कपड़े, तो वो कपड़े लॉन्ड्री वीकली होती है हमारी, तो मैं वीक तक वेट करूँगी तो एकदम सूख जाते हैं, तो इसलिए मैं एवरीडे कुछ कपड़े जो इस तरह से गंदे हो जाते हैं, वॉमिट कर दिया या स्पिट कर दिया, तो वो खुद से ही हैंड वॉश कर देती हूँ। तो यहाँ मैं हैंड वॉश करके कपड़े इस पर हैंग कर दूँगी, थोड़ी देर घर में ही रहेंगे, मैंने काफ़ी टाइट निचोड़ दिए हैं इन कपड़ों को, और जैसे ही धूप सी निकल आएगी तो मैं बाहर रख दूँगी, क्योंकि अब तो वेदर भी ठीक होता जा रहा है शिकागो में। तो ये काम भी हो गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट काम था, अब है भूमि को नहलाने की बारी। तो मैं ये बाथटब यूज़ करती हूँ, और बाथटब यूज़ करके बच्चों को नहलाना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है, इसको कोई भी यूज़ करके बच्चों को नहला सकता है, प्रो होने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हमारी भूमि मैडम नहा के आ गई हैं, तो चलिए अब मैं भूमि को रेडी कर देती हूँ। ऑल्सो मैं भूमि को नहलाने के बाद बेबी ऑयल से अच्छे से मसाज कर देती हूँ। Request my chariot to get ya. The door's open. Take the high road and hop in. Open up, open up. Shutting down like a Macintosh. Open up. और यहाँ पे मैं उसे विटामिन डी का 1 ml का डोज़ दे रही हूँ, जो उसकी पीडियाट्रिशियन ने रिकमेंड किया हुआ है। तो ये वाला विटामिन डी का डोज़ है, इन्फामिल का है, जो मैं उसे एवरीडे देती हूँ। ये वाला बेबी ऑयल यूज़ कर रही हूँ, इससे पहले मैं हिमालया के बेबी ऑयल, बेबी क्रीम सब कुछ यूज़ कर रही थी, लेकिन अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, और अब कोई फ्रेंड इंडिया से आ रहा जा रहा भी नहीं है कि मैं मंगा लूँ, तो मैं ये बाय बाय का बेबी ऑयल यूज़ कर रही हूँ, और हमेशा मैं उसको एवरीडे इसी से मसाज कर देती हूँ। और बेबीज़ के लिए सीता फिल की क्रीम बहुत अच्छी है, अगर बेबी को ड्राइनेस होती है, तो मैं सिया भूमि दोनों के लिए ये वाली सीता फिल की बेबी लोशन यूज़ करती हूँ। एज़ वेल एज़ मैं आपको डायपर रैश क्रीम भी दिखा देती हूँ, ये डेजर्डिन की डायपर रैश क्रीम है, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, तो ये वाली भी मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर अब सिया को भी मैंने नहला दिया है, भूमि को मैं फीड करके नहलाने के बाद सुला के आ गई हूँ, और वो अच्छे से सो रही है। सिया को मैं नहला के बाहर तैयार करने के लिए लाई हूँ, क्योंकि सिया बहुत आवाज़ करती है और भूमि को जगा देती। अब यहाँ पर मैं सिया को एक बनाना जो है वो कट करके दे रही हूँ, तो सिया को ऐसे कट करके और हनी डाल के खाना बनाना बहुत पसंद है, तो इसी तरीके से जैसे उसको पसंद है वैसे ही करके दे रही हूँ मैं, कट करके ऊपर से हनी डालूंगी, और ताकि वो आराम से खा ले, नखड़े ना करे। और अब मैं भी शावर लेके आ गई हूँ किचन में लंच की प्रिपरेशन करने के लिए, और भूमि के लिए भी कुछ बनाऊंगी। तो अभी लॉकडाउन चल रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ शावर लेने में कभी कभी, क्योंकि पुष्पेंद्र घर पे ही हैं तो इतना जल्दी उठ के शावर लेने की ज़रूरत नहीं होती मुझे। एक केला मैंने भी खा लिया है, मुझे थोड़ी भूख लग रही थी, और आज मैं अरबी की जो सब्ज़ी है उसकी सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी लंच में, और थोड़ा सा यहाँ पर दाल बची है रात की, और रात को मैंने डिनर के लिए जो आटा माड़ा था वो एक्स्ट्रा माड़ा था कि लंच में भी हो जाए। तो ये है, और भूमि के लिए जल्दी में मैं ये मूंग की दाल और थोड़े से राइस इनको भिगो के रख रही हूँ, तो इसकी खिचड़ी टाइप से बना दूँगी।
और भूमि भी जग गई है अब, तो उसे थोड़ा फीड कराने जा रही हूँ। फीड कर लेगी, उसके बाद फिर लंच कराऊंगी तो अच्छे से खा लेती है। सो भूमि का फूड बनाने के लिए मैंने एक प्रेशर कुकर में थोड़ा घी लिया है, थोड़ी हींग ऐड की है, उसके बाद मैंने इसमें ये जो मूंग की दाल और राइस भिगो के वॉश करके ऐड कर दिया है। इसको थोड़ा सा सॉटे करूँगी। मसाले में मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड किया है और थोड़ी सी हल्दी ऐड की है। मैंने अभी मिर्ची इंट्रोड्यूस नहीं की है अपनी बेटी को, और इसको मैं सॉटे कर लूँगी अच्छे से। आफ्टर दैट मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और थोड़ा सा सॉल्ट, जस्ट फॉर फ्लेवर, बहुत ज़्यादा सॉल्ट नहीं, बट हाँ थोड़ा सा सॉल्टी फ्लेवर आए। और इसको फिर मैं कम से कम 8 से 10 विसल लगा लूँगी, सो दैट ये एकदम जो है वो पक जाए अच्छे से। और अरबी को मैं जल्दी से छील के यहाँ पर लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लूँगी, तो साथ में मैं अरबी की सब्ज़ी भी छौंकूँगी। सो अरबी की सब्ज़ी बनाने के लिए ऑयल लिया है कुकर में, और ऑयल गर्म होगा तो उसमें मैं हींग और अजवाइन ऐड करूँगी, और अजवाइन हींग क्रैकल होने लग जाएगी, तो सिंपली जो मैंने अरबी चॉप करके लंबे लंबे स्लाइस में रखी है वो ऐड कर दी है। मसालों में रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा पाव भाजी मसाला, ये सब ऐड किया है। इसको सॉटे किया अच्छे से साथ, सो दैट अरबी के ऊपर मसाला जो है वो कोट हो जाए। और अच्छे से सॉटे करने के बाद नेक्स्ट मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और सॉल्ट ऐड कर दूँगी। बस यही है, सूखी अरबी की सब्ज़ी बनानी है इसलिए पानी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं कर रही हूँ, इतना कर रही हूँ कि अरबी जो है वो गल जाए ठीक से। और इसमें 2 या 3 जो है विसल लगा लूँगी। यहाँ पर भूमि का खाना भी बन गया है, और मैं हैंड मैशर की हेल्प से उसको अच्छे से पूरा घोट दूँगी एक तरह से, सो दैट उसमें लम्ब्स ना रहें और बच्चे को खाने में स्मूथ रहे। भूमि को अब मैं प्यूरी की जगह इस तरह से करके देती हूँ। सो भूमि को मैंने लंच करा दिया, ये बहुत बड़ा काम होता है बच्चे को खिलाना, तो ये थोड़ा सा बचा है इसको मैं रख दे रही हूँ, ये उसके डिनर के लिए हो जाएगा। मैं उसको एक बार मैं 2 टाइम का फूड बना लेती हूँ मोस्टली। तो सब्ज़ी बन गई है अरबी की, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर आमचूर पाउडर ऐड किया है यहाँ पर, और आमचूर पाउडर ऐड करने के बाद थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया चॉप करके ऐड किया है। मिक्स करने के बाद सब्ज़ी रेडी है, और सब्ज़ी अच्छी बन जाती है इस तरह से। तो यहाँ पर लंच के लिए मैंने तवा गरम कर लिया है, रोटी बनाऊंगी। कल की दाल है उसको पैन में अच्छे से बॉईल कर लूँगी, सो दैट वो एक बॉईल आ जाए, और रोटियाँ बना लेती हूँ। तो मैं यहाँ ड्रॉर में अपना रोटी बनाने का सारा सामान रखती हूँ इसमें से निकाल के, और मेरा चकला जो है मैंने कल वॉश नहीं किया था इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, आज इसको वॉश कर दूंगी। तो पुष्पेंद्र आ गए हैं लंच करने के लिए, ऑफिस से जो कॉल वगैरह थी अभी नहीं है कॉल, तो यहीं आ गए हैं। कॉल वगैरह होती है ऑफिस की, कोई मीटिंग कर रहे होते हैं ऑनलाइन, तो मैं वहीं पे अंदर ही दे आती हूँ उनको लंच। और क्योंकि आज हनुमान जयंती है तो पुष्पेंद्र और उनके 2 फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने मिलके एक प्लान बनाया है। तो अचानक से प्लान बना तो पुष्पेंद्र ने मुझे बोला है कि छोले जो है वो भिगो दो, तो टाइम कम है, शाम को छोले बनाऊंगी मैं, तो इसलिए मैंने गर्म पानी में छोले भिगो दिए हैं। अगर आपको कभी ऐसे अचानक छोले बनाने पड़े तो आप गर्म पानी में भिगो सकते हैं, टाइम रिड्यूस हो जाता है। और यहाँ पर मैं और सिया दोनों लंच कर लेंगे, तो सिया के लिए मैंने दही और चीनी ऐड कर दी है, और रोटियां जो हॉट केस में हैं, सिया वेट कर रही है मेरा कि मम्मा लेके आएंगी खाना। और यहाँ पे दाल और जो सब्ज़ी है वो मैंने एक ही प्लेट में डाल ली है, तो मैं उसमें से ही सिया को खिलाऊंगी। जो गुड़ है थोड़ा सा मैंने गुड़ ले लिया है, मुझे थोड़ी मीठे की क्रेविंग हो रही थी तो ये गुड़ ले लिया है, टेस्टी लग रहा था गुड़, सॉफ्ट है खाने में बट टेस्टी है। और बच्चों को सुलाने ले जाने से पहले यहाँ मैंने जो अपना ड्राइंग रैक है वो बाहर रख दिया है, क्योंकि धूप अच्छी निकल गई है, आज दिन काफ़ी क्लियर है, टेम्परेचर भी पॉजिटिव में है, तो सूख लेंगे कपड़े। और अब मैं बच्चों को सुलाने ले जा रही हूँ, पहले भूमि को फीड कराऊंगी फिर सिया और भूमि दोनों को सुला दूंगी। हे गाइस, तो अभी मैं बच्चों को सुला के आ गई हूँ, तो दोनों सो रही हैं, और मैं दिन में अब आजकल बिल्कुल सोती नहीं हूँ क्योंकि भूमि रात को काफ़ी जल्दी सो जाती है, तो इस वजह से रात को बच्चों को जल्दी सुलाना पड़ता है, तो मैं भी उनके साथ जल्दी ही सो जाती हूँ। सो अगर मैं दोपहर को भी सोऊँ फिर रात को जल्दी नींद नहीं आती, तो इस तरह से मैंने दिन में सोना बिल्कुल छोड़ रखा है।
तो उन लोगों को सुला के मैं आ गई हूँ और अब मैं थोड़ी देर टीवी देखूंगी। तो ये मेरा मी टाइम है। कभी कभार मैं इस टाइम पे कुछ व्लॉग अपलोड कर लेती हूँ, कुछ अधूरा काम जो है वो पूरा कर लेती हूँ, बट अभी मेरा प्लान है कि मैं टीवी देखूंगी। तो मैंने एक सीरीज जो है वो शुरू की थी, उसका नेम है पंचायत। सो मैं रिकमेंड करूंगी आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें ना मतलब काफ़ी रूरल एरिया और जैसे हमारा गांव देहात का होता है उस तरह से दिखाया है, जो मुझे बहुत पसंद है। मतलब मुझे अपने गांव की याद आ गई हो देख के। तो आई विल रिकमेंड, और नेम क्या है पंचायत मैं नीचे लिख दूंगी स्पेलिंग के साथ, तो आप देख सकते हो। वो अमेज़ॉन प्राइम पे है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, आई गेस 7 या 8 एपिसोड्स हैं, तो मैंने 1 या 2 दिन में पूरा वो ख़त्म कर दिया। आज शायद लास्ट एपिसोड होगा, सो डेफिनेटली वॉच इट। एंड अभी मैं ये व्लॉग ना यहीं पे एंड करने का सोच रही हूँ। तो पुष्पेंद्र शाम को कुछ प्लान कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया था ना कि मैंने छोले भिगोए हैं, सो हम लोग शाम को कुछ प्लान कर रहे हैं, तो मैं उसका एक अलग से व्लॉग बना दूंगी। और आज हनुमान जयंती है, सो उसी से रिलेटेड वो व्लॉग होगा, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय एवरीवन, स्टे सेफ, टेक केयर।